हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होते हैं। आई होप आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर। हमने सॉल्यूशन को डिफाइन करने वाले कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोलरिटी, अनमोलरिटी, इन सब के बारे में आपने पढ़ रखा था। आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है, कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कितनी क्या होती है लिक्विड में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ते चलेंगे, बहुत ही आराम आराम से। अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इन द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन द टू। कह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट है, ये तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सॉल्यूट मतलब जैसे चीनी, सिंपल सी बात है, शुगर, और पानी क्या होता है, सॉल्वेंट। अब क्लियर हुआ सॉल्यूशन, अगर सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है कैसे, सिंपल सा एग्जांपल बता रखा है मैंने। सॉल्यूट क्या होगा, जो चीज घुले उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जिसमें घुले वो क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है हूं तक है दोनों में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वही कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है और हम कह सकते हैं वी में से लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब एक एक तरह की चीजें दूसरी तरह की सेम, मतलब सेम चीजें सेम चीज में ही डिसॉल्व होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक कहते नहीं है, तो ये वैसे ही कुछ है कि दोनों में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट, जब एक दूसरे से जब सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होता है वो एक सिमिलर सा होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। अब कह रहा है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। मैंने ऑलरेडी बताया था सॉल्यूट जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते जाएंगे क्या कंसंट्रेशन उसका बढ़ता जाए, जैसे जैसे आप पानी में सपोज करो 1 लीटर पानी में आप चीनी डालते जाओ घोलते जाओ थोड़ा थोड़ा जैसे अमाउंट, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे सम अमाउंट डिसॉल्व होता जाएगा चीनी क्या होगा, एक तरह से सॉल्यूशन थिकनेस होने यानी उसकी कंसंट्रेशन क्या होने लगी, बढ़ने लगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉल्यूशन, क्या कहते हैं भैया इसे, डिसॉल्यूशन। एक सेकंड पेन कहां के ले ले, ओके ये रहा डिसॉल्यूशन कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है सम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सम सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉल्यूट सॉरी सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं सॉल्यूशन में कोलाइड, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कोलाइड हो जाते हैं, और क्या होता है कुछ सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाते हैं, गेट सेपरेटेड आउट द सॉल्यूशन से, अगर उन्हें सेपरेट आउट कर लिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइजेशन अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरा में लिखा है अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट अंडर सम कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड आउट एंड अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ठीक। अच्छा, ये चीज आपको आई होप जिन बच्चों ने अच्छे से 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा उन्हें अच्छे समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये पूरा पैरा मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से इजिली समझ। कह रहा है सॉल्यूट भाई जब चीनी है वो पानी में क्या हो रहा है धीरे धीरे घुल रहा है और क्या हो रहा है इससे सॉल्यूशन बन रहा है, और वापस से रिवर्स में भी एक प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रहा है, चीनी और पानी एक तरह से आपस में घुल गया सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है, शरबत या जो भी हम बना रहे हो वो बन रहा है हमारा, लेकिन वापस रिवर्स में भी एक रिएक्शन हो रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो किसमें उसका बैकवर्ड वो किसमें क्रिस्टलाइज एक तरह सेपरेट और क्या और पानी और सॉल्यूट वो भी बन रहा है भाई, नीचे जमता भी जा रहा है वो एक तरह सेपरेट क्रिस्टलाइज होता भी जा रहा है, तो यही बात है यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन रीच हो जाती है। आपने पढ़ा होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम रेट है वो उसके बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम रेट के इक्वल हो जाती है, ठीक। अब क्लियर यहाँ तक, अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन दैट इज टेंपरेचर एंड प्रेशर। कह रहा है किसी भी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है अंडर द अगर सेम कंडीशन, सेम गिवन कंडीशन मींस द टेंपरेचर, अगर किसी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर हम टेंपरेचर और प्रेशर को वेरी ना कराएं तो क्या होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगा कांस्टेंट रहेगी वो वेरी नहीं करेगी। यहाँ पे हमें उसी चीज के बारे में पढ़ना है कि सॉल्यूट की सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन
कैसे कैसे वेरी करती है, क्या क्या फैक्टर होते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। टेम्परेचर को क्या इंक्रीज या डिक्रीज करने से कुछ फर्क पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या सॉलिबिलिटी फर्क पड़ता है, सॉलिबिलिटी अगर बढ़ेगी ऑब्वियसली बात ज्यादा सोल्यूट और ज्यादा फिर डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे वही बातें कह रहा है कि सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैस इज डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्वेंट सच अ सॉल्यूशन व्हिच नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। सैचुरेटेड सोल्यूशन बहुत पूछता है कैसे, एक्चुअली सैचुरेटेड सोल्यूशन बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है, सिंपल सी मतलब एक एग्जाम्पल लो आप चीनी और पानी का। पानी है भाई एक लीटर, एक लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी घोल दो, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि बस चीनी घुलना बंद हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगा कि बस आप कितना आप उसमें डालोगे तो वो चीनी जाके नीचे बैठेगी, घुलेगी नहीं किसी कीमत। वही उसी कंडीशन कहते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन, मतलब अब बस हो गया भैया, कह दिया कि अब नहीं पानी बोल दिया कि अब नहीं हम घुल पाए, हम इससे ज्यादा सोल्यूट है उसमें चीनी नहीं घुल जाएगी, ठीक है। तो ये इसी बात कह रहा है सिम कि व्हेन, अच्छा यहाँ पे एक चीज जो बात रखा है ये सिमिलर उसी बात के लिए कि जैसे भाई सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है वैसे गैस भी घुलती है भाई, ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती तभी तो जो हमारे क्या नाम है जो पानी में रहने वाले जीव हैं यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो तभी सरवाइव कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। अगर भाई गैस जो है ऑक्सीजन गैस जो है पानी में डिजोल्व ना हो तो भाई मछलियाँ या फिर फिशेज जो है या एक्वाटिक एनिमल्स जो भी है वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। आई होप क्लियर। तो ये कह रहा है यही सेम प्रोसेस वहाँ भी फॉलो होता है, बट ये सिचुएशन वाला केस मैं वो कह रहा हूँ कि सच सिचुएशन ऐसा सिचुएशन इज नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब बस अब इससे ज्यादा उस टेम्परेचर और प्रेशर पे। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इस पानी को आपने मतलब जो सोल्यूशन इसको अगर आपने गर्म कर दिया तो थोड़ा अमाउंट और फिर घुलने लगो तो और घुल जाएगा, थोड़ी बहुत और चीनी घुलने लगी। इससे इससे साबित क्या होता पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी बढ़ती है, मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ेगी यानी कि और ज्यादा इसमें सोल्यूट घुलने लगेगा। आई होप क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज बात रखिए, अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे कि ऐसा सॉल्यूशन जब उसमें और सॉल्यूट को घोला ना जा सके, बट ध्यान रखना एट सेम टेम्परेचर, ध्यान कंडीशन क्या है टेम्परेचर और प्रेशर उसका चेंज नहीं करना वहां आसपास, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी यहां तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चले आगे, अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। मैंने बताया ना अभी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वही चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे अभी कि क्या होता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होगा भाई, ओके क्या होगा बता रखा है। यहाँ पे बोला दिस बीइंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो ली चार्टी प्रिंसिपल। अच्छा ये आपने पढ़ा रखा होगा, ली चार्टी प्रिंसिपल 11th क्लास में केमिस्ट्री में है, वहां आपने पढ़ा होगा कैसे टेम्परेचर से वेरी करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाती है बैकवर्ड कब जाती है, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट आगे ज्यादा ली चार्टी यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, बट मैं थोड़ा समझा एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा होगा क्या, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक नियरली सैचुरेटेड द डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मींस डेल्टा यहाँ से एनर्जी इसमें निकलती है जब भी कुछ डिसॉल्व होती है किसी चीज में। कह रहे द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर इफ द एक्सोथर्मिक इफ द सॉरी यहाँ पे ये एंडोथर्मिक मिस्टेक हो गया सॉरी कह रहा है जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक। अब कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर इफ द एक्सोथर्मिक इफ इट इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस। ये भाई आपने ली चार्टली में पढ़ा था कि नहीं कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा है कि जो भाई एक्सोथर्मिक है सॉरी एंडोथर्मिक है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब सॉलिबिलिटी बढ़नी चाहिए, क्लियर। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि दीज ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली, वही ट्रेंड यहाँ भी देखे गए हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्या होगा, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। प्रेशर का इस पे एक्चुअली कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, प्रेशर आप घटाओ बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन्स अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन प्रेशर, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि भैया की सॉलिबिलिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
क्योंकि जो हमारे लिक्विड हैं और जो सॉलिड है वो हाईली हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होता है, तो इन पे कोई ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट पड़ता नहीं है, इसलिए इनकी सॉलिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात कर देंगे, ये तो हमने सॉलिड की सॉलिबिलिटी पढ़ ली किसकी, सॉलिड की, इन अ लिक्विड पढ़ी है हमने। अब हम यहाँ पढ़ेंगे किसकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। मैंने बताया ना कि अभी ऑक्सीजन हमारा क्या होता, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता पानी में, बताया था कि ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होता तभी तो हम जो एक्वाटिक एनिमल है वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें उनके बारे में, थोड़ा डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन या कोई भी गैस किसी सॉल्वेंट में कैसे, यानी लिक्विड में कैसे डिजोल्व होती है। अब यहाँ पे बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता हुआ, मेनी गैसेज डिजोल्व इन वाटर, ये ऑलरेडी बता दिया मेनी गैसेज, ठीक है। ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर डिजोल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या होता है एक स्मॉल एक्सटेंट तक ही पानी में डिजोल्व होता है। इट इज दिस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ, यही इतना जो स्मॉल एक्सटेंट जितना डिजोल्व होता पानी में इसी वजह से पूरा जो एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन करता है। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि क्या जो HCl गैस होती है वो क्या होती है पानी में बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होती है, मतलब बहुत ज्यादा घुलनशील होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेज इन लिक्विड्स इज ग्रेटली इफेक्टेड बाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्यों क्यों भाई एक चीज बताओ पहले यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि गैस का, अच्छा जब सॉलिड की बात करें तो वहां पे केवल टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट पड़ रहा था, वहां पे ओनली ऑन टेम्परेचर, मैंने बताया ना, लेकिन यहाँ पे प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई जो गैस हमारा वो क्या है कंप्रेसिबल फ्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज द प्रेशर, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, देखो ध्यान से यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, चले आगे। भाई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा था वहां पर जब सॉलिड में, क्या कर रहा था वहां पर टेम्परेचर बढ़ा रहा था, क्या हो रहा था सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, ऐसे यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पे क्या गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आना ही है 101% मान के चलो, आपके चाहे क्लास टेस्ट हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ, इसको आराम आराम समझेंगे, कोई जल्दी नहीं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना हेनरी का लॉ ये कि कहाँ पे ये है, मतलब किस बात के लिए दिया गया, भाई ये सिंपल सी बात है, गैस का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड है, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड नहीं है, ध्यान रखना, ये गैस का डिजोल्व होना किसमें, लिक्विड में, उस पे, इस बात पे इन्होंने हेनरी ने अपना लॉ दिया था। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव मतलब क्या, मात्रात्मक, यानी कि मात्रा अमाउंट के बारे में बताया था उन्होंने, क्वालिटी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कितना अमाउंट ऑफ क्या चीज है वो उसकी बात करेंगे। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी, इन्होंने प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेज सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ सॉल्वेंट विच नोन एज हेनरीज लॉ, ठीक है, इसी के बारे में बताया था इन्होंने, क्या करा सबसे पहले रिलेशन दिया था प्रेशर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में। अब बात करते हैं लॉ कहता क्या, दिस द लॉ स्टेट्स दैट द एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा पहली चीज तो ये ध्यान रखना ये लॉ किस पे बात करता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करता है, ठीक है। कह रहा है कि द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक। कह क्या रहा है कि जो सॉलिबिलिटी किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो किस, ठीक है, किसी लिक्विड में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि सरफेस के अबव जो लिक्विड है, सॉरी लिक्विड के अबव जो सरफेस है, किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है किसी लिक्विड में वो इस बात पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है कि जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर कौन सी गैस है,
ठीक है, उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी देन इट कैन बी सेड दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था ना इसके पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता है कैसे निकालते हैं, ठीक है तो वहां समझना। यहाँ पे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कह रहा है कि अगर हम कोई गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में देन इट कैन बी सेड दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से, ये जो एग्जाम में लिखने वाली ये चीज पढ़ते हैं यहां से, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर प्रेशर पी इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स इन द सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज पी इक्वल पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एच एक्स, यानी कि पी डायरेक्टली यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल था एक्स के मोल फ्रैक्शन के, लेकिन जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो यहाँ पे के एच आ गया। के एच क्या है, हेनरीज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना। जहां पे इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सॉल्यूशन, तो उसका एक ग्राफ देखो इस तरह से प्लॉट हुआ है, यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा ये वाला ग्राफ, ये ध्यान से देखने वाले। यहाँ पे प्रेशर, अगर पार्शियल प्रेशर 500 है, देखो जीरो पे जीरो था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इतना हुआ, तो यहाँ पे देखो ये 500 पे इतना है, 1000 पे इतना है, यहाँ पे देखो इस तरह से बढ़ते जा रहा है, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक y इक्वल टू mx वाला एक लाइन जा रही है जो कि सेंटर से इससे ओरिजिन होके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है, देखो यहाँ पे ये बड़े अच्छे समझा रखा फिगर से, एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ समझने वाली बात है, अगर ये सोचो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल है, देखो गैस के मॉलिक्यूल क्या है, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो कितने दूर दूर है, यहाँ पे एक तरह से क्या है कंसंट्रेशन अभी कम है, अगर हम यहाँ पे वेट देखो, यहाँ पे W1 वेट था, अगर ऐसा हो जाए यहाँ W2 W3 तीन तरह के वेट, तो पिस्टन क्या होगा धीरे से नीचे आ गया, अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या होगा ज्यादा होगी एक तरह से, अब ज्यादा अच्छे से ये सॉलिड ज्यादा अच्छे से यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा बढ़ गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, कंप्रेस हो गया ना, तो वॉल्यूम कम हो गया, इसी कारण यहाँ पर क्या इसकी जो सॉलिबिलिटी वो बढ़ गई, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कह रहा है कुछ डिफरेंट गैसेस के लिए, कह रहा है कि जो के एच की वैल्यू होती है वो सेम टेम्परेचर पे दे रखा है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट के एच वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पे, दिस सजेस्टेड के एच यानी जो हमारा हेनरीज कॉन्स्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैसेस, ठीक है, ये जो हेनरीज कॉन्स्टेंट है वो क्या है, फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ द गैसेस के। इट इज ऑब्वियस दैट obvious from equation that higher the value of kH at a given pressure, the lower is the solubility of gas in the liquid. ठीक है, यहाँ से कह क्या रहा है कि जैसे जैसे यहाँ से समझ में आता है क्या, हायर वैल्यू ऑफ kH, अगर kH हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू की ज्यादा होगी तो क्या किसी प्रेशर पे तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, लोअर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। यहाँ से ये समझने वाली बात है, देखो यहाँ समझ लो कोई गैस जैसे हीलियम का देख रहा है टेम्परेचर, ये देख टेम्परेचर कह सकता है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम देखा है, तो ये हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है, सिंपल सी बात है, देखो इसकी इतनी दे रखी है हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की 76, ओके यहाँ से ये चार्ट से आप देख लो कैसे क्या देखना, CO2 की क्या है टेम्परेचर 298 पे कितना 1. इतना दे रखा, फॉर्मेल्डिहाइड का ऐसे दे रखा है, मेथेन का दे रखा है, विनाइल क्लोराइड का दे रखा है, क्लियर, चले आगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चार्ट, ये तो बस था मैंने इसलिए ऐड कर दिया आपके आपकी बुक में दे रखा था, इतना इंपॉर्टेंट है कोई चार्ट नहीं बनवा रहा,
अब बात करते हैं हेनरीज लॉ फाइंड्स सेवरल एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमिना नोटेबल अमाउंट. ये इसमें कुछ इन्होंने कुछ एप्लीकेशन फाउंड किए थे उसके बारे में पढ़ना है. यहाँ पर देखते हैं क्या कि सबसे पहला बात करेंगे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, एंड सोडा वाटर. द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, इसीलिए कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में बॉटल के अंदर सील कर दिया जाता है. जो हम सोडा ड्रिंक और सोडा वाटर पीते हैं उसमें भरा रहता है. स्क्यूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेटेड ऑफ डिसॉल्व गैस वाइल ब्रीदिंग एयर इन हाई प्रेशर अंडर वाटर. इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमोस्फेरिक गैस इन ब्लड व्हेन द डाइवर्स केम आउट सरफेस. मतलब जो तैरा के अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो समुद्र में अंदर जाते हैं, गोताखोर जो इन्हें कहते हैं, डाइवर्स. द प्रेशर ग्रेजुअली इन डिक्रीजेज. दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड. इससे क्या होता है भाई, धीरे धीरे हमारा क्या जो गैस का डिजॉल्व हो क्या बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और फॉर्मेशन जो हमारी ब्लड है उसमें क्या हो नाइट्रोजन के फॉर्मेशन बबल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है ब्लॉक करता है. दिस ब्लॉक कैपिलरी एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स. ये क्या एक बेंड टाइप का कुछ मेडिकल कंडीशन क्रिएट कर देता है व्हाइल द पेनफुल एंड डेंजरस टू द लाइफ, क्योंकि हमारे उसके लाइफ के लिए क्या बहुत ही डेंजरस होता है और पेनफुल होता है. टू अवॉइड द बेंड एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसेंट्रेटेड नाइट्रोजन इन आवर ब्लड द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम. जिसमें क्या होता है हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होता है. अपने साथ क्या चले जाते हैं, एक एयर डाइल्यूटेड क्या ले जाता है टैंक ले जाता है जिसमें क्या होता है हीलियम भरा होता है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, एट अ हाई अल्टीट्यूड क्या होता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस. भाई हायर अल्टीट्यूड पे क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कम होता है. देन दैट एट ग्रेजुअल ग्राउंड लेवल दिस लीड टू लो कंसंट्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हायर अल्टीट्यूड्स और क्लिम्बर्स. कह रहा है कि जब लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली सिम्टम्स नोन एज एनोक्सिया. ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली जैसे जैसे हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो ग्राउंड लेवल जो कंसंट्रेशन होता है धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी पार्शियल प्रेशर इसका ऑक्सीजन का कम होता जाता है. इसकी वजह से क्या होता है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड हमारे उसमें बॉडी में क्या होता है जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो क्या होता है कम होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि क्या होगा जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का डिसॉल्व हमारे ब्लड में कम होता जाएगा, जिससे क्या होगा हमें फिर थोड़ा सा बहुत वीकनेस बिकम फील वही वीकनेस फील होने लगती है और अनेबल टू हम कुछ सोचने समझने वाली शक्ति क्या होती है धीरे धीरे खत्म हो जाती है. इस चीज इस कंडीशन कहते हैं एनोक्सिया. ठीक है, अगर कहते हैं क्लियर किसी को दिक्कत नहीं. यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए गए थे, एक तो ये कि सॉफ्ट वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक था सोडा वाटर इसमें CO2 की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं उसको बढ़ा के क्या होगा बॉटल को सील कर देते हैं हाई प्रेशर पे. दूसरा ये स्क्यूबा डाइवर जो भी गोताखोर होते हैं वो अंदर जाते हैं क्या होता है उनके साथ, और एक हाई अल्टीट्यूड की बात करिए. ठीक है, यहाँ तीनों में ऑक्सीजन के डिसॉल्व की बात करिए ब्लड में. अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा भाई, solubility of gas in a liquid decreases with the rise of temperature. साफ साफ लिखा है कि आपको पता ही कि solubility of gas का liquid में होगा क्या होगा decrease with the rise in temperature. जैसे temperature बढ़ाएंगे क्या होगा liquid में ये solubility of gas की वो decrease होती जाएगी, जबकि pressure बढ़ाने में क्या होगी बढ़ती थी, देखा आपने ना. When dissolved the gas molecule are present in the liquid phase and process the dissolution can be considered similar to condensation and heat is evolved in this process.
ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जो डिसोसिएशन का। अब ये हमने लीच आर्ट लिए वगैरह पढ़ रखा है, इसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। बस सिंपल सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पे द सॉल्विबिलिटी सो डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, सॉल्विबिलिटी जैसे जैसे क्या होगी, डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ाओगे तो जो हमारी सॉल्विबिलिटी एस है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर। अब बात करते हैं वेपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात करेंगे वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड, ठीक है, क्लियर है, आई होप इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। द सॉल्यूशन कैन बी बाई गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी, सॉलिड भी हो सकता है, ये बता रखा ऑलरेडी पहले ही। सॉल्यूशंस ऑफ गैस इन लिक्विड हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने ये कर ही लिया है। इन दिस सेक्शन बी है वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है। सच सॉल्यूशन मे कंटेन वन और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, हम यहाँ पे किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड का लिक्विड में या फिर सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है। जिन दिन दोनों में से कुछ भी एक ऐसा होता है जो वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भैया, समझो जो कि हल्का से गर्म करने वोलेटाइल उड़ जाए तुरंत, मतलब वेपराइज हो जाए, इस तरह के सब्सटेंस जो टेम्परेचर पाता है क्या वोलेटाइल हो जाए, एक वही कह रहा है। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब जिसमें दो बाइनरी नंबर होना, जैसे 0-1 होते हैं वैसे बाइनरी, जिसमें खाली दो सॉल्यूशन की बात होगी, मल्टी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अच्छा बाइनरी दैट इज द सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू कंपोनेंट, इसमें केवल टू कंपोनेंट होंगे, या तो लिक्विड इन लिक्विड होगा या सॉलिड इन लिक्विड, इन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेपर प्रेशर की जो बात करेंगे। चले आगे बात कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हाँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का क्या भाई, पहले ये समझो लिक्विड का लिक्विड में, यानी कि दोनों लिक्विड है, यहाँ पे वही कंसिडर कर रहा है कि यहाँ पे समझो कि दो कंपोनेंट है 1 and 2, व्हेन टेकन क्लोज वेसल बोथ कंपोनेंट वुड एवोपरेट एंड इवेंचुअली एट इक्विलिब्रियम वुड बी एस्टेब्लिश बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज, ठीक है। इन दोनों को जब क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, या फिर दोनों क्लोज वेसल में जब क्या करते हैं, इवोपरेट करने लगते हैं इवेंचुअली, और इक्विलिब्रियम कंडीशन एक एस्टेब्लिश हो जाती है वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में। लेट द उस टाइम कह रहा है कि द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी द पी टोटल एंड पी वन पी टू, और पार्शियल प्रेशर दोनों का मान लिया उन्होंने कि उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर क्या था दोनों का, पी एक का पी वन एक का पी टू था, हैव टू कंपोनेंट 1 and 2, भाई पहले को हमने वन पी वन को पी वन मान लिया, पी टू टू को पी टू मान लिया। अब कह रहा है दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि एक्स वन और एक्स टू ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, यहाँ पे कह रहा है कि द फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसिस मार्टे राउल्स, ठीक है, गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन्होंने क्या एक रिलेशन दिया था जिसे राउल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, समझा करो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी एग्जाम में आता रहता है, राउल्स लॉ, व्हाट इज राउल्स लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट द स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सिंपल सी बात कह रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इस प्रत्येक कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन में वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ से समझ में क्या आया कि फॉर कंपोनेंट, अगर दो बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट वन है तो पी वन का जो होगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ पी वन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द उसका मोल फ्रैक्शन यानी फर्स्ट वाले का, ऐसे जब ये हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यानी कि पी वन का नॉट, पी वन नॉट क्या है भाई, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट वन एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे सिमिलरली टू के लिए क्या होगा भाई, टू के लिए क्या हो जाएगा, पी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 naught into X2 हो जाएगा, क्लियर। हाँ तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ कहता क्या, यहाँ पे फिगर से अभी समझते हैं कैसे क्या चीज कह रहा है, यहाँ पे फिगर समझेंगे पहले समझते हैं। कह रहा है द टोटल प्रेशर P टोटल ओवर द सॉल्यूशन फेज, ठीक है, ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2,
क्लियर? एक मिनट, ओके, पी वन प्लस पी टू हो जाता है ये चीज। अब यहाँ पे यही समझने वाले, अगर यहाँ पे एक्स वन, सो सपोज करो जो वन है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट और यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट, दो दो कंपोनेंट है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वन अगर मान ले, एक्स वन की मान ले यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन वन है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो, इसका देखो प्रेशर, ये रहा पी वन, इसका क्या है हमारा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ऐसे देखो यहाँ पे एक्स वन का क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहा है, जीरो हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक्स टू का क्या हो रहा है, इस साइड जीरो हो रहा है, यहाँ जीरो से ये वन हो रहा है, ये इधर गया, ये ऐसे पी टू इधर गया। और इन दोनों को जब हम मिला देंगे लास्ट में, ये क्या बन जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू, ये हमारा जो होगा ये टोटल प्रेशर है। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेशन, द टोटल प्रेशर द, हाँ तो यहाँ पे P टोटल यहाँ पे क्या है, देखो हम P1 और P2 की वैल्यू यहाँ अगर सब्सटीट्यूट करें इस फॉर्मूले में, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल्स टू X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट, यहाँ से इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1 की हम क्या लिख सकते हैं भाई, X1 प्लस X2 इक्वल्स टू कितना, 1 होगा, क्योंकि मोल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पूरी कंप्लीट 1 होता है ना, जितने भी कंपोनेंट सबका सम इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे X2 क्या हो जाएगा, सॉरी x1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। अब दोनों एक ही x2 में, x2 में आ गए, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम p टोटल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p1 नॉट प्लस, अगर p1 नॉट यहाँ से क्या ले लें भाई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या हो जाएगा p1 नॉट, और p1 जब x2 हो जाएगा तो यहाँ से देखो x2 अगर इन दोनों में से कॉमन है तो p2 नॉट माइनस p1 नॉट, सिंपल सी बात है, क्लियर? अब समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ये प्लॉट ये अच्छा समझ लेना, यहाँ पे ये किस चीज के है, यहाँ पे वेपर वर्सेस वेपर 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 प्रेशर वर्सेस किसके है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इससे कुछ कंक्लूजन हमारे निकलते हैं। पहला, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक, जो टोटल हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ के एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट। दूसरा, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू, ये भी समझ में आ रहा है कि लीनियरली वेरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर प्योर कंपोनेंट वन एंड टू, द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज With the increase of mole fraction of component वन, ये भी समझ में आ रहा है कि भाई जितना वो बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन का, अगर पहले वाले को जितना बढ़ेगा उतना सेकेंड वाले कम होगा, और वैसे वर्षा कह लो कि अगर जितना सेकेंड वाले का कम होगा उतना ही बचा रहेगा उसका फर्स्ट वाले का, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करते हैं क्वेश्चन, देखते क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आया कैसे क्या करना, ठीक है, बिना क्वेश्चन के समझ में कुछ आता नहीं, थ्योरेटिकल चीज है, ठीक। एक सेकंड पेन ले लें, ओके। यहाँ पर बात कर रहा है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और डाई क्लोरोमेथेन के दो चीज का दे रखा है, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा 298 और 200 mmHg और 415 mmHg रिस्पेक्टिवली दे रखा है, क्लियर, ठीक है। इस टेम्परेचर पे दोनों का वेपर प्रेशर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट क्या करना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ इतने ग्राम, यानी 25.5 ग्राम ऑफ सीए क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमेथेन की, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज। अब सॉल्यूशन इसका पहले समझते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है, उसके फटाफट मोलर मास सबका जल्दी से निकाल लो, मोलर मास CH2Cl2 का और CaCl3 यानी इन दोनों का मोलर मास निकाला, इसका 85 आ गया, इसका 119 इतना आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अच्छा, मोलर मास हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें मोल्स निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन के लिए मोल निकालना, तो यहाँ से CH2 भाई जितना इसका अमाउंट कितना 40 दे रखा है, मास कितना 40 दे रखा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से कितना निकल, इतने मोल आ गए। और यहाँ से मोल्स ऑफ इसके क्लोरोफॉर्म के कितने आ गए, 25 जो भी दे रखा है 5 डिवाइड बाई 119.5 कितना आ गया भाई, 0.213 मोल इतने आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ मोल दोनों को जोड़ देना होता है, ये तो पता ही हुआ, x1 प्लस x2,
इन दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा 0.683 मोल आ गया। क्लियर, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब यहाँ से किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, जैसे x1 निकालते तो क्या होता है, x1 डिवाइड बाई करते थे ना x1 प्लस x2, ऐसे ही इसका लगाओ कहाँ गया 47 है, इसको डिवाइड करो दोनों के समेशन से यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल से पॉइंट इतना, जब इसको डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा 0.688 आ जाएगा। और यहाँ से जब क्लोरोफॉर्म का निकालोगे ऐसे ही, या तो उसको सिंपली माइनस कर लो या दूसरा वहां पे करके निकाल लेना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 0.213 करके डिवाइड बाई इससे कर लो या तो 1 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 0.312, यहाँ से ये आ गया। अब यहाँ से P टोटल इक्वल्स टू आपने फॉर्मूला ये वाला उसका याद ही रखा होगा, राउल्ट्स लॉ का, ठीक। अरे भाई अभी बताया था, याद है ये वाला फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, ये जो डाल्टन्स लॉ का सेपरेशन है, ठीक है, इसी का यूज होना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, P1 नॉट की वैल्यू तो मैंने दे रखी 200, यहाँ देखो वेपर प्रेशर दे रखा, ठीक, इसको रख दिया, और यहाँ पे 415 और ये 415 माइनस 415 माइनस 200, यहाँ से मल्टीप्लाई किसने कर देंगे जो हमारा मोल फ्रैक्शन है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है, ठीक, x2 इससे कर देते, यहाँ से निकल आया 347.8 mm, ये आंसर हो गया, ओके। अब यहाँ दूसरे में क्या पूछ रहा है, सेकंड में क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज, तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन कर लेना, क्या मल्टीप्लाई कर लो, बात ही खत्म, इक्वल्स टू इतना 285, ऐसे इन सबका निकाल लो, दोनों का पी निकाल लो, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे अलग अलग, और वाई फिर निकाल लो दोनों का, यहाँ से जब वाई CH2Cl2 का निकाला हमने क्या 285.5 mm, Hg डिवाइड बाई कितने से कर दिया, डिवाइड कर दो 347.9 mm Hg, इससे डिवाइड करो तो ये 82 आ जाएगा और ये 0.1818 आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इसे अच्छे समझ लेना एक बार। चले आगे, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये दोनों में स्पेशल केस क्या है भाई, राउल्ट्स लॉ और हमारा हेनरीज लॉ जो है, इनमें कुछ स्पेशल केसेस है, इसमें समझना स्पेशल केस में क्या है, एक सेकेंड, ओके, राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का, समझने वाली बात है, यहाँ पे समझते कैसे, कह रहा द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय P1 या PI, XI, PI नॉट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल, बाय हेनरीज लॉ में भी क्या होता है, एक जो कंपोनेंट होता है हमारा वोलेटाइल होता है, गैस होता है, वी ऑलरेडी सी, हमने ये चीज पढ़ी रखा ऑलरेडी, ठीक है, सबको पता है पी हेनरीज लॉ ने क्या दे रखा था, ये देखा P = KHX, यहाँ पे अगर कंपेरिजन करें दोनों रिलेशन में तो कह रहा है इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट और गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में बात कर लो, सीधे सीधे कह लो कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट या गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने हैं, मोलर फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के, ओनली द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट KS डिफर फ्रॉम P01, भाई ये हेनरी साहब ने बताया था, ये P01 यानी कि ये राउल्ट्स ने बताया था, दस द राउल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH इज बिकम इक्वल्स टू द, सिंपल सा मतलब बेसिकली है दोनों एक ही चीज है, हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ से एक चीज निकल गया कि राउल्ट्स लॉ जो स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का, ठीक है, अगर दोनों जब ये इक्वल हो जाते हैं, अगर यहाँ तक समझ में आएगा किसी को दिक्कत नहीं होगी। चले आगे, बहुत इजी है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, हमने स्टार्टिंग बात करी वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, कह रहा है कि अ गिवन टेम्परेचर वेपर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ वेपर ऑन द ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ये समझने वाली बात है, कह रहा है किसी गिवन टेम्परेचर पे जो वेपर होते हैं, ठीक है, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किस पे, लिक्विड सरफेस पे, ठीक है, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर, सिंपल सी बात है, इन अ प्योर लिक्विड इन द इंटायर सर्फेस इज ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्यूशन, अच्छा फिगर समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, आपकी बुक में ये फिगर दे रखा है कि अगर ये सपोज करो ये प्योर एक सॉल्यूशन, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसे पढ़ लेना एक बार अच्छे, मैं अभी पढ़ के भी समझा दूंगा, पहले फिगर समझाते हैं ओरली,
यहाँ पे क्या है, प्योर ये सोल्यूशन सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इसमें। अब क्या है, यहाँ से ये गर्म वेपराइज होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वेपर बन गया। अब ये वेपर जो है सपोज यहाँ पे ये पूरा चारों तरफ से कवर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लिक्विड पे क्या होगा, प्रेशर एक क्रिएट करेगा, इसी प्रेशर को क्या करते हैं, वेपर प्रेशर करते हैं। अब लेकिन ऐसा कुछ काम कर दो कि भाई इस वाले जो लिक्विड था, इस सॉल्वेंट था यानी जो सोल्यूशन था, इसमें सल्यूट यानी नॉन वोलेटाइल जो कि वेपराइज ना हो, ऐसा कोई चीज इसमें डाल दो। तो अब यार उसके भी भाई क्या होंगे, मॉलिक्यूल इस पे सरफेस पे आ जाएंगे। अब जिसके कारण क्या हो जाएगा भाई, बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये नंबर ऑफ यहाँ से वेपराइजेशन कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर की वैल्यू हमें कमी हो जाएगी। यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा ना कहाँ थे हम, हाँ यही चीज कह रहा, नॉन वोलेटाइल एडेड टू द सॉल्वेंट गिवन द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सॉल्व इज सॉल्वली फ्रॉम सॉल्वेंट अलोन, दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर। ठीक है, यहाँ पे जब हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे, इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देंगे नॉन वोलेटाइल, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि जो पी वी एस है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे ही नॉन सॉल्यूट कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पे कम हो गए, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट वाले भी आ गए। इसके कारण क्या हो रहा कि करेस्पॉन्डिंग द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस्ड, मतलब जो यहाँ पे जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या वोलेटाइल जो हमारे मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या वेपराइज हो रहा है और वेपर बन के इस पे प्रेशर डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे सरफेस पे ही कम है, यहाँ पे दूसरे और आ गए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वो क्या उनको वेपराइज ही नहीं होने दे पा रहा, तो यहाँ वेपर कम बन रहा और प्रेशर भी कम पड़ेगा, इससे क्या वेपर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कम हो, ऑब्वियस बात रिड्यूस हो गई, सिंपल सी बात समझो। यहाँ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, वही चीज कह रहा है, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल, कैसा जो है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस में मिलाया भाई, ठीक है, और कितना मिलाया, क्वांटिटी मतलब अमाउंट की बात बोला है उसमें, कितने अमाउंट में अगर बहुत ज्यादा डाल दोगे तो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए सॉल्युबिलिटी। तो वही कह रहा है, रॉड्स लॉ इज इन इट्स जनरल फॉर्म कैन स्टेट दैट फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो रॉड्स लॉ का जनरल फॉर्म है वो आप ये कह सकते हो कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। आई होप क्लियर हो गया, यहाँ तो किसी की दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन इसका होता है ये इस तरह से ग्राफ जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ऑलरेडी मैंने बताई रखा ये फॉर्मूला, ये सेम वही चीज है, ठीक है, इट इज ग्राउंडेड बाय, अगर दो हम कोई सॉल्यूशन ले लें वही कंपोनेंट वन और टू का सेम फंडा लगाया गया कि एक वेपर प्रेशर पी वन मान ले का और पी वन का जो है उसका भाई कोई हमारा नॉन वोलेटाइल जो या वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मान ले P1 और उसका मान ले क्या मोल फ्रैक्शन X1 मान ले, तो ये किसके अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P X1 को हो जाएगा और P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा X1 इनटू P1 नॉट, यहां से द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P1 नॉट अप्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर, ये ऑलरेडी बता ही दिया, क्यों भाई लीनियर, क्योंकि देखो ये वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा ये ग्राफ है तो ये लीनियर ही होगा जो कि यहाँ से ऑरिजिन से होके जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे ज्वाइन कर ले, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।